Hello everyone, I'm Shreyas from Fool's Den. So I hope कि last video आप लोग सभी को पसंद आया होगा. Last video को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम लोग देखेंगे essays के question को कैसे attempt करना है. ठीक है, सबसे पहले we'll discuss कि किस तरह के essays इस बार के exam में पूछे जा सकते हैं. Mostly essays वो पूछे जाते हैं जो hot या controversial topics होते हैं. So we should prepare on GST and its impact on Indian economy. GST लास्ट ईयर से एक ऐसा हॉट टॉपिक जिसके ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज पूरे इंडिया में इसके दो ओपिनियन रहे. कुछ लोग जीएसटी के सपोर्ट में थे एंड कुछ लोग जीएसटी के अगेंस्ट में. सो वंस अगेन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ऐसे में हम लोग को बायस अप्रोच नहीं, वी शुड कैरी ऑन अ मीडियम पाथ. सेकेंड टॉपिक हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन डीमोनिटाइजेशन. फ्रॉम लास्ट ईयर नवंबर ऑनवर्ड्स डीमोनिटाइजेशन एक हॉट टॉपिक रहा है. बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए जो गवर्नमेंट के लूप होल्स डिमोनिटाइजेशन पार्ट में दिखा रहे हैं, बट स्टिल उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हम लोग के सामने आए. दैट्स वाई वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है. एंड सारे ही एग्जाम्स में विमेन से रिलेटेड एक टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है. करंट स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडियन सोसाइटी, विमेन का किस तरह रोल रहा है बैंक्स में, विमेन रोल इन एग्रीकल्चर, ये सारे टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है. तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया. अगर ये क्वेश्चन हमसे ऐसे में पूछता है तो इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है. एक ऐसे तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूशन. अगर हम लोग इंट्रोडक्शन को एक प्रोवर्ब कोट या एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन हमारे इन्वेलेटर पर डालेगा. सो एक बहुत फेमस कोट है, विमेन आर द कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ मैन, गिफ्टेड विद इक्वल मेंटल कैपेसिटी. This quote was given by Mahatma Gandhi. So, women से related अगर कोई भी एक article पूछता है, हम लोग कोई भी famous personalities के quote वहाँ पर directly put कर सकते हैं, like quotes from Hillary Clinton, Michelle Obama, Mahatma Gandhi और Malala Yousafzai. इन सभी के हम quotes वहाँ पर use कर सकते हैं. Now, coming to introduction part. In our last video, we discussed about spell technique. Spell technique where S stands for social, political, economic, legal and technological aspects. ये एक ऐसा टेक्निक है जहाँ से हम लोग को बहुत सारे पॉइंट्स इनपुट मिलते हैं. सो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग को इंट्रोडक्शन में डिस्कस करना होगा बिकॉज इंट्रोडक्शन हमारा आगे का ऐसे किस तरह से फ्लोट होगा वो डिसाइड करता है. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारी चीज़ों को हम लोग को इंक्लूड करना होगा. नाउ कमिंग टू मेन बॉडी, क्योंकि पहले हम लोग को ये समझना है कि किस तरह के कंटेंट्स हमारे ऐसे में होना चाहिए. मेन बॉडी में सबसे पहला सोशल एस्पेक्ट. इस तरह के टॉपिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग को नॉलेज अच्छा होता है इसका. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विमेन का हम लोग को कुछ थोड़ा आइडिया लेना होगा, कुछ आर्टिकल्स रीड करने होंगे कि प्री इंडिपेंडेंट एरा एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में विमेन का क्या, विमेन की क्या कंडीशन रही है, उनका स्टेटस क्या रहा है, हाउ देवर नॉट गिवन एक्सेस टू एजुकेशन, इलिटरेसी ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, देवर नॉट इकोनॉमिकली एम्पावर्ड. तो इसको थोड़ा सा हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देन कमिंग टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट. पॉलिटिकल एस्पेक्ट में किस तरह से गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के रूल्स या लॉज ने विमेन को किस तरह से एम्पावर किया है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है विमेन रिजर्वेशन बिल. आप लोग सभी ने सुना होगा विमेन रिजर्वेशन बिल इन पार्लियामेंट रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया था, जहां पे 33% सीट्स वर प्रोवाइडेड टू ऑल काइंड ऑफ लेजिस्लेचर फॉर विमेन. सो चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन सारे एरियाज में विमेन वर गिवन 33% रिजर्वेशन. सो ये पॉइंट्स हम लोग डायरेक्टली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या इंडक्ट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. आप लोग में से सबने सुना होगा एमजी नरेगा स्कीम के बारे में, जहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्डेड है मिनिमम 100 डेज ऑफ वेजेस या 100 डेज ऑफ वर्क प्रोवाइड करने के लिए. सो 100 डेज ऑफ वर्क विमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करता है गवर्नमेंट के. और बहुत सारे स्कीम्स है लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, इन सारे स्कीम्स के एग्जाम्पल हम वहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में कोट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. लीगल टॉपिक्स रिलेटेड एक बहुत अच्छा हॉट टॉपिक रिसेंटली आया था. सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था रिगार्डिंग ट्रिपल तलाक. ट्रिपल तलाक एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने लीगली विमेन को काफ़ी एम्पावर किया है. बट हाँ,
इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में भी कुछ ना कुछ लूप होल्स रहे हैं। सो हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है, हम लोग का एसे हमेशा बायस नहीं रखना है, हम लोग को उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों को वहाँ पे हम लोग को फ्लोट करना होगा। नेक्स्ट कमिंग टू टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, हम में से सभी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में सुना होगा। ये ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनको बैंक्स छोटे लोन्स प्रोवाइड करती है। ये लोन्स इनको इसलिए दिए जाते हैं ताकि रूरल वुमेन अपना एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर पाए। अगर उनका एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, जिससे अल्टीमेटली वे इकोनॉमिकली एम्पावर होंगे। सो वुमेन एम्पावरमेंट का टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ये था। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, वंस अगेन आई विल रिपीट, कंक्लूजन एक ऐसा होना चाहिए जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा पर्सनल ओपिनियन कंक्लूजन में रहना चाहिए। सो दिस वॉज एसे रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। हमारे अपकमिंग वीडियोज में विल डिस्कस ऑन लेटर राइटिंग, प्रिसी राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।